हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कोरोना के वेव टू के बारे में आप लोग न्यूज़ में सुन ही रहे हैं कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, स्पेशली इंडिया में। और बच्चों के प्रस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा ही डेंजरस हो गई है। न्यूज़ में आप रोज़ ही देखते हैं, बट कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको नहीं पता है तो होपफुली ये वीडियो अगर आप पूरा फॉलो करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वेव आई है इसमें बहुत अलग अलग तरीके की वायरस की वेरिएंट्स देखी जा रही है। ये वायरस के वेरिएंट्स जो है ये बहुत अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, और इसका एक रिज़ल्ट ये भी उठ के आ रहा है कि ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है बच्चों को, यानी कि वेव टू में ये बच्चों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। वेव वन में क्या हुआ था, हमें ये डर था कि ये बच्चों पे भी इफ़ेक्ट करेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। ये सिर्फ बड़े बूढ़ों को हुआ है और उसके नॉर्मल एज के लोगों को हुआ है, बट बच्चों पर ये बहुत ही रेयर, लाइक एक दो बच्चों को हुआ होगा तो हुआ होगा, अदरवाइज़ बहुत बच्चों को नहीं हुआ है। बट अब जो वेव टू आ गई है इसमें ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है बच्चों के लिए, ये सीधा इफेक्ट कर रहा है बच्चों पर। अब क्या हो रहा है कि पेरेंट्स नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे कि उनके बच्चे को भी कोविड हुआ है। नॉर्मली जब बच्चे को कफ हो जाता है, नॉर्मली बच्चे को डायरिया हो जाता है, इसका सबसे बड़ा साइन है आपके बच्चे के पेट में दर्द होना। अगर आपके बच्चे के पेट में दर्द है तो या उसको डायरिया का प्रॉब्लम है, वॉमिटिंग है, या फिर उसको हाई फीवर है, दैट मीन्स आपको डॉक्टर को उसी वक्त दिखाना है, उसी वक्त आपको डॉक्टर से कंसर्न करना है और अपने बच्चे को लेके जाके दिखाना है, क्योंकि वो सारे सिम्टम्स कोविड के हो सकते हैं। बहुत से पेरेंट्स इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, उन्हें ये लगता है कि हमारे बच्चे को ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट ये वो बहुत ही गलत कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपके बच्चे को कोविड के सिम्टम्स है, आप उसे निगलेक्ट कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, तो वो खुद के साथ और भी लोगों को इन्फेक्ट करेगा। बहुत से एसिम्टमेटिक बच्चे हैं, लकीली उनके सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि उनको सिम्टम्स तो होते हैं बट वो आइडेंटिफाई नहीं होते और वो उनके लिए हार्मफुल भी नहीं होते, विच इज़ वेरी गुड। बट क्या होता है, उनको तो हार्मफुल नहीं होते बट वो जिस सराउंडिंग में घूम रहे हैं, जैसे अगर वो घर पे है और वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं या फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ रह रहे हैं, तो वो उससे उनको ज़रूर इफ़ेक्ट करते हैं, उनको ज़रूर उससे इफ़ेक्ट हो सकता है, उनके लिए वो बहुत ही हार्मफुल है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि आपके बच्चे को नॉर्मल पेट दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है या हाई फीवर है, तुरंत आप उसको जाइए और डॉक्टर को दिखाइए, आप उनकी उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कीजिए। निगलेक्ट बिल्कुल मत कीजिए, बिकॉज ये सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप निगलेक्ट करो, बच्चा तो कैसे भी रिकवर करेगा, बट अगर उसके थ्रू किसी और को इन्फेक्शन होगा तो शायद उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेव वन में हमने इतना ज़्यादा ध्यान बच्चों पर नहीं दिया क्योंकि वो बच्चों के लिए इतना इफेक्टिव नहीं था, उतना उस पर प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बट अब वेव टू में ये बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत पड़ रही है। अब मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि ये वेव टू में बच्चों के साथ क्यों हुआ था, क्योंकि बीच में सिचुएशन नॉर्मल हो गई थी तो बहुत जगह पे स्कूल्स ओपन हो गए थे, पार्क वगैरह खुल गए थे, तो नॉर्मली एक बच्चा दूसरे बच्चे के कॉन्टैक्ट में आ रहा था, सब कुछ नॉर्मल हो गया था, सब पेरेंट्स ने, इनफैक्ट सब लोगों ने सब कुछ चीज़ें बहुत ही लाइटली ली थी जो नहीं लेनी चाहिए थी। अपने बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ मिलकर खेलने देना, पार्क में खेलने देना, ये सब कुछ चीज़ें लाइटली लेने की वजह से अब ये वेव टू में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव बच्चों पर हुआ है। अब ये बच्चों को सीधे इफेक्ट कर रहा है, इसलिए तो अब पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा अपने बच्चों को। डबल मास्क लगाइए अगर आप बाहर लेके भी जा रहे हैं। सबसे पहले मैं अगर एडवाइस करूँ तो आप अपने बच्चों को बिल्कुल बाहर ना लेके जाए, बिल्कुल भी बाहर ना लेके जाए, सिर्फ घर पर ही रखें। बट इन केस अगर किसी रीज़न से आपको बाहर लेके जाना भी पड़ रहा है तो मेक श्योर कीजिए कि आप उसे डबल मास्क पहनाएं, नॉर्मल कपड़े का मास्क ना पहनाएं। पहले क्या होता था, एक दूसरे के टच में, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से ये वायरस स्प्रेड हो रहा था, बट अब क्या हो रहा है, ये वायरस बिल्कुल एयर में पहुंच गया है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताऊँ, अगर मैं इस कमरे में हूँ और मैंने कफ किया है, मैंने छींका है, और थोड़ी देर बाद मैं यहाँ से चली गई हूँ, यहाँ पर कोई वेंटिलेशन की स्पेस नहीं है और यहाँ पर कोई और आ जाता है, तो मैं अगर इन्फेक्टेड हूँ तो ये एरिया में वो सब कुछ स्प्रेड हो चुका है, और कोई अगर इस एरिया इस रूम में आ जाता है तो वो एयर के थ्रू उनके अंदर चला जाएगा, तो वो भी इन्फेक्ट होगा। इसलिए मेक श्योर कीजिए कि रूम में वेंटिलेशन की जगह हो, फैन वगैरह ऑन रखिए, विंडोज़ वगैरह ओपन रखिए, ताकि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो तुरंत वहाँ पे ना रहे वो बैक्टीरिया, वो वायरस वहाँ से निकल जाए।
दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखिए कि आप कॉन्स्टेंटली अपने बच्चे का हाथ वॉश करवाते रहिए हर 20-30 मिनट्स में। आई नो समटाइम बहुत इरिटेटिंग होगा ये, बट यू हैव टू डू बिकॉज आपको प्रिकॉशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली बच्चे के मामले में। बाहर जाना बच्चे का बिल्कुल अवॉइड कीजिए, बिल्कुल बाहर नहीं भेजिए बच्चे को, बिल्कुल घर में ही रखिए, हाइजीन रखिए घर पर, हो सके तो बिल्कुल घर का ही खाना खाइए, बाहर का खाना बिल्कुल भी ना लाए, बिल्कुल अवॉइड करें, घर का गर्म फूड ही खाइए, फ्रेश फूड खाइए, और जितना पानी टेक कर सकते जितना पानी इंटेक कर सकते करिए, और अपने बच्चे को भी कोशिश कीजिए उतना ही पानी इंटेक करवाए। ये सारे प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त वेव टू में, क्योंकि बोला जा रहा है और माना भी जा रहा है कि ये वेव टू बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, स्पेशली ये बच्चों के लिए हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ये सारे इंस्ट्रक्शन और ये प्रिकॉशन फॉलो करने ही चाहिए। टाइम अगर मैं बात करूँ तो आप हर 2 दिन में अपने बच्चे को एक छोटा कप हल्दी का दूध दीजिए, आप काढ़ा भी बनाकर दे सकते हैं, घर का काढ़ा या फिर रेडीमेड काढ़ा मिलता है, आप उसको इंस्टेंटली बनाकर भी बच्चे को दे सकते हैं। हर 2-2, 3-3 दिन में दीजिएगा, बिकॉज इतनी गर्मी आ रही है तो आप बच्चे को एक साथ ये सब चीज़ें ना दीजिए, बट हाँ कोशिश कीजिए कि हर 2 दिन में दीजिए। और नींबू, नींबू की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा है अच्छी चीज़ है, मतलब अपने बच्चे के लिए। अगर आप चाहे तो नींबू जूस बना के दे सकते हैं, लेमन जूस, या फिर सैलड में उसे नींबू अच्छे से निचोड़ कर दे सकते हैं, वो नींबू उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरी चीज़, आप अपने बच्चे को हाइड्रेट रखिए, आप अपने बच्चे को पानी की कमी ना होने दीजिए, आप चाहे तो अपने बच्चे को ग्लूकोन दीजिए या फिर कोकोनट वाटर दीजिए, ये सब बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टाइम हाइड्रेट रहने के लिए। जितना हो सके ना आप अपने घर में अपने बच्चे की केयर कीजिए, क्योंकि अगर बच्चे को इन्फेक्शन होगा ना तो बच्चा तो रिकवर कर जाएगा, बट उसके साथ वो घर में भी इन्फेक्ट कर सकता है और लोगों को, इसलिए और बच्चे के लिए भी ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि हर बच्चा इस, और आपको पता है इस वक्त तो न्यू बॉर्न बेबी को भी हो रहा है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस वक्त उनका प्रॉपर केयर किया जाए। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एज अ पेरेंट मैं अगर बताऊँ तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे को ज़रा भी कुछ हो, तो हम ये सारे प्रिकॉशंस ज़रूर फॉलो करेंगे। और अगर आपके बच्चों पे आपको थोड़ी सी भी कोई सिम्टम्स लगते हैं, यानी कि कोई भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम लगती है, तो प्लीज़ होम रेमेडी ना करें। ये सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप घर पे बैठ के अपने बच्चे का इलाज करें, तुरंत डॉक्टर से कंसर्न करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टाइम। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।